इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पाशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री में चल रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज का ये वीडियो लेक्चर है वीडियो लेक्चर नंबर 5। जी हाँ, 5th वीडियो लेक्चर है आज का। और इससे पहले मैं कुल मिलाकर 4 वीडियो लेक्चर्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम के दे चुका हूं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का जो ये चैप्टर है, ये मैं सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से नहीं पढ़ाया है। मैंने केमिस्ट्री के अंदर एक सिलसिला शुरू किया है और उस सिलसिले के अंदर ये बहुत लंबी कड़ी है जहां तक हम पहुंचे हैं। मतलब मेरा ये कहना है अपने सभी प्यारे प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों से कि जब भी आप केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर पढ़ो, एक चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसे हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एक चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 चैप्टर हमेशा मैं कहता हूं साथ साथ पढ़ो। मतलब सीक्वेंस में पढ़ो लेकिन साथ साथ पढ़ो। सो मेरे द्वारा आपको अब तक दिए गए बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं और कोई नाइन्थ क्लास का बच्चा मेरे इस वीडियो पे आज पहली बार आ टपका है या आज देख रहा है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी सजेशन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और इससे पहले के सारे वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखो और फिर यहां लौट कर आओ, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द फिनिशिंग लेक्चर की तरफ है। मतलब अब हमारे 1 या 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें मैं कह सकूंगा कि केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी एंड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 सीबीएसई का सिलेबस मेरी तरफ से मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए खलास खात्मा। यूनिट 1 दे चुका हूं, यूनिट 2 दे चुका हूं, यूनिट 3 दे चुका हूं, यूनिट 4 चल रही है, और क्या चाहिए, पूरा 9th क्लास का सिलेबस आपके सामने आ गया मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों। तो क्या आपको कोई केमिस्ट्री में अव्वल नंबर लाने से कभी मना कर सकता है? बिल्कुल मना नहीं कर सकता। अव्वल दर्जे के नंबर अगर आपको लाने हो केमिस्ट्री में तो आप आराम से ला सकते हैं क्लास 9th में मेरे वीडियोस के माध्यम से और लगातार देखकर। चलो बहुत हुई बातें, सीधा शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज का वीडियो लेक्चर इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के ही टॉपिक की कंटिन्यूटी है। हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी हम बात कर रहे हैं कि एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा और किस किस वैज्ञानिक के क्या क्या कहने से क्या क्या सामने आया। तो कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा, इसकी 2 बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहली बात आपके सामने 1903 में जे.जे. थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाने के बाद जब उन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया तो वो आपके सामने पहला मॉडल ऑफ एटम आया, जिसे काफी लंबे समय तक सच माना जा रहा था। एटलीस्ट तब तक तो माना ही जा रहा था जब तक रदरफोर्ड के द्वारा एक ठोस अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट के आधार पे बेस्ड मॉडल ऑफ एटम दुनिया के सामने नहीं आ गया इन द ईयर 1911। अब रदरफोर्ड ने जो मॉडल ऑफ एटम दिया था वो अपने आप में काफी हद तक एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल ऑफ एटम था, बस उसमें एक छोटी सी गलती रदरफोर्ड से हुई जिसकी वजह से उनके उस मॉडल ऑफ एटम को आगे कंटिन्यू एक्सेप्ट नहीं किया गया। और रदरफोर्ड ने क्या कहा है, ये सारी बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझाई है। रदरफोर्ड एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। उन्होंने ये बताया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज कहां मौजूद है, उन्होंने ये बताया कि एटम में प्रोटॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब रदरफोर्ड ठीक से ये नहीं समझा पाए कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन क्या है। आपको मैं पहले बताता हूं कि रदरफोर्ड ने जो कहा वो गलत क्यों था, फिर मैं बताऊंगा कि रदरफोर्ड ने जो कहा अगर वो गलत था तो सही किसने कहा, और जिस व्यक्ति ने सही कहा आज का ये वीडियो लेक्चर उसी व्यक्ति पे बेस्ड है। सो टुडेज वीडियो लेक्चर इज ऑल अबाउट द न्यू मॉडल ऑफ एटम विच इज कंसिडर्ड टू बी द करेक्शन ऑफ द मिस्टेक बाय रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम ने जो गलती करी उस गलती का जो सुधार किया गया वो सुधार किसने किया, आज का लेक्चर उसी पे बेस्ड है। सो टुडेज वीडियो लेक्चर इज ऑल अबाउट
बोर्स मॉडल ऑफ एटम, नील बोर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया। तो हमारा ये तीसरा मॉडल ऑफ एटम जो आपको समझना है मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, इसे हम कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सही सुना आपने, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है और बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने कैसे, बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने कैसे, ये बोर कौन है मैं आपको बता दूं, ये जो वैज्ञानिक है इस वैज्ञानिक का नाम है नील बोर। और ये जो मॉडल ऑफ एटम दिया गया था, ये दिया गया था इन द ईयर 1913 यानी 1913 में। तो आप देख लीजिए कि 1903 में जे.जे. थॉमसन ने दिया, 1911 में रदरफोर्ड ने दिया और 1913 में नील बोर ने दिया। तो 1903 में थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम आया, 1903 में थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम आया, 1911 में रदरफोर्ड का मॉडल एटम, रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम आया और 1911 के ठीक बाद हमारे नील बोर भाई साहब का, या मुझे कहना चाहिए नील बोर जी का मॉडल ऑफ एटम आया। तो ज्यादा समय इन्होंने नहीं लगाया, नील बोर ऑफ मॉडल ऑफ एटम ने बेसिकली रदरफोर्ड की गलतियों को सुधारा। लेकिन फिर भी इन तीनों मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, इन तीनों मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। आपको मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं, आज ये पढ़ाने जा रहा हूं, और इनफैक्ट जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि इसकी ज्यादातर बातें मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। क्या वो बातें हैं अभी समझ आ जाएगा। पहले सुनते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या गलती करी थी। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम का जो आकार है वो गोल है, ठीक है, एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस है जहां पे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज समाया हुआ है, ठीक है भाई। रदरफोर्ड ने कहा एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस है जहां एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज समाया हुआ है, ये बात रदरफोर्ड ने कही, हम मान गए। जब रदरफोर्ड से ये पूछा गया कि रदरफोर्ड अगर एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में समाया हुआ है तो फिर एटम का नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां है, तो जानते हो रदरफोर्ड ने क्या कहा। रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के बाहर वाली जगह पे शामिल है, यानी रदरफोर्ड ने ये जो बाहर वाली जगह है इसे नाम दिया गया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। इसे उसने कहा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में मौजूद है, रदरफोर्ड कहता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में मौजूद है सभी इलेक्ट्रॉन्स। अरे वो तो हमें भी पता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में मौजूद है सभी इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बच्चे कहां है, फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं, बच्चे कहां है, तो आप कहोगे बच्चे स्कूल में है, लेकिन क्या ये सही जवाब है? नहीं। जानते हो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बच्चे स्कूल में कमरे के अंदर है। अब कमरे में भी कहां है? कमरे में बेंच पे है। तो एग्जैक्टली अगर मुझे बताना है कि आपके बच्चे या जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं वो बच्चे कहां है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अगर आप किसी को अपना एड्रेस बताते हो तो एग्जैक्टली बताते हो कि नहीं बताते कि भाई साहब मेरे मकान नंबर की, गली नंबर की, सोसाइटी नंबर का ये वैल्यू है, इस वैल्यू से आप मुझ तक पहुंच सकते हो। आप कहो जी मैं वहां रहता हूं। भाई वहां कहां रहते हो? वहां गली के पास रहता हूं। वहां गली के पास कहां रहते हो? वहां गली के पास तीसरे चौराहे पे रहता हूं। गली के पास तीसरे चौराहे पे रहते हो? गली के पास तीसरे चौराहे पे कहां रहते हो? गली के पास तीसरे चौराहे के पीले मकान में रहता हूं। अबे गली के पास तीसरे चौराहे के पीले मकान में कहां रहते हो? मैं गली के पास तीसरे चौराहे के पीले मकान के दूसरी मंजिल पे रहता हूं। अच्छा, गली के पास तीसरे चौराहे के पीले मकान की दूसरी मंजिल में कहां रहते हो? मैं गली के पास तीसरे चौराहे के पीली मंजिल के दूसरे पीले मकान के दूसरे मंजिल के तीसरे कमरे में रहता हूं। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है ना। साइंस कहती है इफ यू आर टेलिंग समथिंग यू मस्ट टेल इट एग्जैक्ट, इफ यू कैन नॉट टेल इट एग्जैक्ट देन इट इज ऑफ नो यूज। और रदरफोर्ड से यही गलती हुई। रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहां है ये रदरफोर्ड नहीं बता पाया। रादर रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं तो कैसे घूम रहे हैं ये भी नहीं बता पाया। उसने कहा बस गोल 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 घूम रहे हैं, और गोल गोल अगर हम घूम रहे हैं तो उस हिसाब से तो गोल गोल घूम
घूमते 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 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। एक बच्चा बोला ऐसा क्यों? देखो कोई भी चीज जब लगातार लगातार घूमेगी तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी का लॉस होगा। अब जब उसकी एनर्जी का लॉस होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो घूमना ही बंद कर देगी। इसका मतलब कि अगर न्यूक्लियस के द्वारा आने वाले अट्रैक्टिव फोर्स के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को लगातार घुमाया जा रहा है तो लगातार घूमने से इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एनर्जी रेडिएट आउट होगी। ये बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब लोगों ने उससे पूछी, लोगों ने कहा कि रदरफोर्ड तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, हम तुम्हारी बात मान गए, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार घूम रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि लगातार घूमने से इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रेडिएट आउट होगी? रदरफोर्ड ने कहा हाँ बात तो सही है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूमेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि घूमने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो फोर्स फिक्स्ड है या फिक्स्ड नहीं है इस बात के बारे में तो बता ही नहीं पाया। उसने बताया बस घूमे जा रहे हैं। तो यार कोई भी चीज ऐसे कैसे घूमती रहेगी जब तक कि हमें ये नहीं पता हो कि उसकी एनर्जी कितनी है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि वो घूम रही है तो हम ये भी मान लेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो रदरफोर्ड के द्वारा कही गई बातें मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से दुनिया ने एक्सेप्ट करी, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। तो फिर सर टॉपिक तो अटका का अटका ही रह गया ना। हम क्या माने कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे हैं? और अगर घूम रहे हैं तो क्या घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट आउट करेंगे या नहीं करेंगे? सच क्या है झूठ क्या है बता दो ना। अब बता दो क्या सच है और क्या झूठ है। सच ये है कि जो रदरफोर्ड ने कहा वो सच नहीं है। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे और घूमते रहेंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे, लेकिन उनके घूमने का रास्ता, उनके घूमने का रास्ता फिक्स है। वो एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहे हैं। जो रदरफोर्ड ने कहा उस हिसाब से तो घूमते 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 उनका पाथ चेंज होगा। अगर रदरफोर्ड कहता कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और उनके घूमने का एक फिक्स्ड पाथ है, जिस फिक्स्ड पाथ से वो बाहर ही नहीं आएंगे, एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उन्हें कोई मदद नहीं करेगा वहां से बाहर निकलने में। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? अब जो मैं कहना चाहता हूं वो रदरफोर्ड ने नहीं कहा, क्योंकि रदरफोर्ड तो गलत कह चुका था। जो मैं कहना चाहता हूं वो हमारा अगला मॉडल ऑफ एटम है, जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बोर ने क्या कहा सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोर ने रदरफोर्ड की गलती को कैसे सुधारा, बोर ने रदरफोर्ड की गलती को कैसे सुधारा और बोर ने अपने मॉडल ऑफ एटम, बोर ने अपने मॉडल ऑफ एटम को, अपने मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, आई रिपीट माय सेंटेंस, बोर ने अपने मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जिन्हें कहा जाता है बोर्स पोस्टुलेट। आपको एग्जाम में बोर्स पोस्टुलेट के नाम से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, जिन्हें कहा जाता है बोर्स पोस्टुलेट। एंड अकॉर्डिंग टू हिज पोस्टुलेट उसके पोस्टुलेट के अनुसार द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स? पहला पॉइंट बोर कहता है कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन्स आर एनक्लोज्ड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। एक बहुत छोटी सी जगह पे सारा का पॉजिटिव चार्ज समा रहा है, इन अ वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी। हाँ मैं मानता हूं कि ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी, लेकिन बोर ने उसे दोहरा दिया। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा एज प्रीवियसली, यहां मैं लिख देता हूं, रदरफोर्ड को भी क्रेडिट दे देता हूं। कहीं आप कहो कि रदरफोर्ड ने नहीं कहा, एज प्रीवियसली
स्टेटेड बाय रदरफोर्ड, यानी इस बात को रदरफोर्ड के द्वारा भी कहा गया है। सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, आई रिपीट माय सेंटेंस, बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बट इन फिक्स्ड शेल्स। बिल्कुल सही, ये शेल्स की डिस्कवरी करी, इन फिक्स्ड शेल्स, या मुझे कहना चाहिए इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, या मुझे कहना चाहिए इन फिक्स्ड पाथ, जिनकी शेप सर्कुलर है एंड उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते अपनी एनर्जी लूज नहीं कर पाता, जिसकी एनर्जी फिक्स है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते अपनी एनर्जी लूज नहीं कर पाता। मेरे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, जो मैंने है बताया उसे एक बार अच्छे से नहीं, कच्चे से नहीं, अरे कम से कम पक्के से ही सही, मैं कहता हूं जो मैंने है बोर्ड पे लिखवाया उस बात को अच्छे से घूरो तो सही। तो जो भी चीज मैंने आपको अब तक डिटेल में समझाई है वो सारी बातें मैंने बोर्ड पे यहां पे लिखवाई हैं, और बोर्ड के द्वारा दिए गए मेन पोस्टुलेट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि बोर ने ये डिस्कवर करा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ है, मतलब उसने कहा कि स्कूल में बच्चे मौजूद हैं, लेकिन बोर कहता है स्कूल की बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर के तीसरे कमरे में चौथे बेंच पे हैं। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहां है ये रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां है ये बोर बता पाया था। उसने एग्जैक्टली बताया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहां मौजूद होगा। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड शेल में मौजूद है, जिस फिक्स्ड शेल में वो मौजूद है उस फिक्स्ड शेल की एनर्जी भी फिक्स्ड है, वो एनर्जी अचानक से ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, उस एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रहकर गोल 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 घूम रहा है, वो तब तक उस शेल को छोड़ेगा नहीं जब तक उसे कोई बाहर से एनर्जी देगा नहीं। हम सब जानते हैं कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ सकता है, बात समझ आ रही है, प्रोटॉन एटम को छोड़ के बाहर नहीं आते, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब क्या होता है मैं अपने इससे पहले के पिछले वीडियो लेक्चर्स में लगातार आपको बता चुका हूं। अगर आपने मेरे इससे पहले के पिछले वीडियो लेक्चर्स को लगातार देखा है तो इस बात का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये सारी बातें दुनिया के सामने तभी मुमकिन हो पाई जब दुनिया को ये बातें इस नजरिए से समझ आई कि भाई इलेक्ट्रॉन तेरी लोकेशन क्या है, क्या ये बात किसी ने हमें बताई, तो ये बात दुनिया को नील बोर ने बताई कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स लोकेशन है, और वो जो फिक्स लोकेशन है वो फिक्स गोल आकार का रास्ता इस कॉल्ड एज फिक्स शेल, इस कॉल्ड एज फिक्स ऑर्बिट, इस कॉल्ड एज फिक्स सर्कुलर पाथ, जिसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, और इन ऑर्बिट्स को, इन शेल्स को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि रदरफोर्ड को ये सब पता ही नहीं था, और इनफैक्ट रदरफोर्ड ने उस तरीके से सोचा ही नहीं था जिस तरीके से नील बोर ने सोचा। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि रदरफोर्ड की गलतियों को सुधारने का काम
नील बोर ने किया और नील बोर ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। तो नील बोर ने इस जगह को मैं मिटा देता हूं, इस जगह को मिटाकर यहां पे एक एटम का गोल आकार बना देता हूं। उसने कहा कि अगर ये एटम का न्यूक्लियस है तो ये पहला शेल के शेल, दूसरा शेल एल शेल, तीसरा शेल एम शेल और चौथा शेल एन शेल। तो सबसे ज्यादा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास है जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ बहुत मजबूत है, तो वो आसानी से एटम से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए सबसे पहला जो शेल है उसे हम कहते हैं के शेल, दूसरे शेल को हम कहते हैं एल शेल, तीसरे शेल को कहते हैं हम एम शेल और चौथे शेल को कहते हैं एन शेल। के शेल की जो एनर्जी है, के शेल की जो एनर्जी है वो सबसे अधिक है। इसकी एनर्जी E1 इज ग्रेटर देन इसकी एनर्जी E2 इज ग्रेटर देन इसकी एनर्जी E3 एंड E3 की एनर्जी इज ग्रेटर देन E4। तो सबसे ज्यादा एनर्जी E1 की है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाता है तो आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाता है, इनर मोस्ट शेल से नहीं। आउटर मोस्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। समझ आ रही है बात बच्चों? और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से उसके आउटर मोस्ट शेल में से लॉस करके पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बनाया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड करके नेगेटिव आयन यानी कि एनायन बनाया जा सकता है। और ये जो मैं बातें अभी बोल रहा हूं ना, ये सब पुरानी बातें हैं, इनका जिक्र मैंने पहले भी किया है, बहुत अच्छे से किया है। आज तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो पहले मैंने बताया था वो सब किसके बेसिस पे आया। पहले मैंने ये सब नहीं बताया था कि भाई के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल के बारे में किसने बताया। लेकिन के शेल क्या है, एल शेल क्या है, एम शेल क्या है, एन शेल क्या है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा कैसे होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। भूलो मत, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, प्यारे प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों, हाउ कैन यू इवन फॉरगेट। अरे मुझे पता आप नहीं भूल रहे, लेकिन फिर भी अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि वो ये भूल गया है कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन सा रूल लगता है, 2n² रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाता है, एटम में से इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाता है, एटम में से इलेक्ट्रॉन को कैसे डाला जाता है, कैसे लॉस होता है, कैसे गेन होता है, अगर आप में से कोई बच्चा ये सब भूले बैठा है तो ये गलती है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले के सारे वीडियो लेक्चर्स को एक बार सीक्वेंस वाइज देखो। ये सारी बातें मैं बहुत अच्छे से कर चुका हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और अगर आप ये सारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखते आ रहे हो तो फिर आपको पता है। आपको बता दूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में वो बैठा होता है उससे बाहर वो तभी आएगा जब वो एनर्जी गेन करेगा, तो एनर्जी गेन करके वो ऊपर वाले शेल में जाता है, उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और उसे हमने एनर्जी दी तो हो सकता है कि वो एनर्जी गेन करके, उस एनर्जी को गेन करके दूसरे शेल में आ जाए, सेकेंड शेल में आ जाए, फिर थर्ड शेल में आ जाए, फिर फोर्थ शेल में आ जाए, और अगर फोर्थ सेल के इलेक्ट्रॉन को हमने और एनर्जी दी तो उसे छोड़ के बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, आपको ये चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है एटम और कैसे एटम में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कहां मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आपको बताना चाहूंगा कि नील बोर ने जब ये सारी बातें दुनिया के सामने अपने तरीकों से बताई तो आपको बता दूं कि रदरफोर्ड की गलती सुधर चुकी थी। रदरफोर्ड की जो बहुत बड़ी गलती थी, या कह लीजिए एक छोटी सी गलती थी, एक छोटा सा ड्रॉबैक था, वो दुनिया के सामने आ गया। तो प्रोटॉन्स क्या है पता लग गया, प्रोटॉन्स कहां है पता लग गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या है पता लग गया, इलेक्ट्रॉन्स कहां है पता लग गया। अब आता है हमारा तीसरा पार्टिकल जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी किसी वैज्ञानिक ने करी होगी। जी हां, उस वैज्ञानिक का नाम है जेम्स चैडविक, जिनका जिक्र आज के वीडियो लेक्चर में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में मैं जरूर करूंगा। मेरे अगले वीडियो लेक्चर का टाइटल होगा
द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ जी, और उसके आधार पे द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा रिपीट कराऊंगा, पुरानी बातों को याद दिलाऊंगा और कहानी को आगे बढ़ाऊंगा. तो बिफोर आई एंड दिस वीडियो लेक्चर आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज प्लीज if it is possible just write down everything which is written on the board pe jo likha hua hai. meri aap logo se request hai ise ek baar note down kar lijiye taki aapke dimag mein Bohr's model of atom acche se nahi bahut acche se baith jaye. ab main wo batane ja raha hu jiske basis pe ya jise kitab khol kar padh kar bacche aksar confuse hote hain. kya wo baat hai main bataunga. dekho maine yahan pe likha hai E1 energy of the first shell, E2 energy of the second shell, E3 energy of the third shell, E4 energy of the fourth shell. सुनना मेरी बात, सुनना. ये जो मैंने लिखा है बुक्स में क्या लिखा है मैं बताता हूं. बुक्स में लिखा है कि K shell की energy E1, L shell की energy E2, M shell की energy E3 और N shell की energy E4. और किताब में लिखा है कि E1 is less than E2 is less than E3 is less than E4. अब सवाल आता है सर, जो आपने बताया और जो किताबों में लिखा है उसमें क्या फर्क है. जो मैंने बताया this is the energy that we need to provide in order to remove electron. ये वो एनर्जी है जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में. सुनना मेरी बात. E1 जो है वो सबसे नजदीक है, तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बनाने के लिए न्यूक्लियस को ज्यादा काम करना पड़ेगा या कम काम करने का. मेरा बात सुनना, आप एक पुलिस वाले हो और आपको जिम्मेदारी दी गई है एक चोर को पकड़ने के लिए. वो चोर को आपको पकड़ के रखना है रस्सी से, लेकिन वो चोर आपसे चिपक के बैठा बिल्कुल आपके बगल में बैठा है ऐसे हाथ में हाथ डाल के. मुझे ये बताओ कि इस चोर को आपके पास अगर बैठने का मौका मिला हुआ है या चोर आपके पास बैठा हुआ है तो क्या आपको अपनी पकड़ मजबूत बनाने की जरूरत है? नहीं. पूछो क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आपके नजदीक बैठा है. अगर उसने भागने की कोशिश भी करे ना, आप फट से पकड़ लोगे. लेकिन अगर यही चोर आपसे बहुत दूर बैठा हो और आपके हाथ में एक रस्सी दे दी जाए और वो रस्सी से आपने चोर को पकड़ रखा है, आपको क्या लगता है, क्या चोर भाग सकता है? हाँ, भाग सकता है, क्योंकि आपने उसे पकड़ रखा है, लेकिन आपकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है. इसका मतलब कि जब चोर पास होगा तो आपकी एनर्जी उस पे मैक्सिमम होगी. वही मैंने कहा, E1 मैक्सिमम होगा. सो दिस इज द एनर्जी बाय द न्यूक्लियस. तो इस चोर को अगर किसी आदमी को मुझसे छीन कर लेके जाना है तो आपको क्या लगता है, क्या कोई ले जा सकता है? नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि चोर को मैंने कस के पकड़ रखा है. इसलिए इलेक्ट्रॉन को सबसे मुश्किल के शेल में से निकालना होता है, क्योंकि के शेल में उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड है. बात समझ आई? सो दो तरह की एनर्जी होती है, एक एनर्जी जो वो पोजेस कर रहा है और एक एनर्जी जो रिक्वायर्ड है. तो जो एनर्जी मैं इस चोर को पकड़ने में लगा रहा हूं वो तो कम है, बहुत कम है. लेकिन अगर किसी ने हिम्मत करी तो मैं फट से पकड़ लूंगा. इसका मतलब कि किसी और को इसे मुझसे दूर ले जाने के लिए लगाने वाली एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि मेरी पकड़ कमजोर नहीं है, मेरी पकड़ मजबूत है. मेरा वर्कडन अच्छा खासा है और मैं ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा हूं, इसलिए वो मेरे लिए कम है. लेकिन बाहर से आने वाले को ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी. तो ये एक छोटी सी चीज है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देती है अक्सर. आप मत कंफ्यूज होना, क्योंकि मैंने इस बात का मतलब समझा दिया आपको. ये जो मैं बात बता रहा हूं यही बोर का आखिरी पोस्टुलेट है. एक बच्चा कहता है आखिरी, या तो दो ही पोस्टुलेट है, बाकी कहां है?
तो बोर ने टोटल चार पोस्टुलेट दिए। आओ बोर के पहले और दूसरे पोस्टुलेट को मिटाकर मैं तीसरा और चौथा पोस्टुलेट बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों। तो पहला पोस्टुलेट बोर कहता है कि एटम में एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में समाया हुआ है। दूसरा पोस्टुलेट बोर कहता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स लगातार फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और तीसरा घूमते घूमते अपनी एनर्जी लूज नहीं कर पाता। यही ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को थर्ड पॉइंट में बोर ने कैसे बताया, जरा सुनिएगा मेरी बात। जब बोर ने कहा कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, देखो जी पहला जो पॉइंट था बोर का वो उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, ये बोर का पहला पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट बोर ने शेल्स के बारे में बताया, बोर ने शेल्स के बारे में बताया। तीसरा पोस्टुलेट बोर ने स्टेबिलिटी के बारे में बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया। एक बच्चा कहता है सर स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में क्या बताया, तो बोर कहता है, सुनना बहुत ध्यान से, बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी वाले शेल में, बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी वाले शेल में घूमते घूमते अपनी एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करता, अपनी एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करता, जिसके कारण वो स्टेबल रहता है, जिसके कारण एटम स्टेबल रहता है। और ये बात याद करो रदरफोर्ड नहीं कह पाया था, यानी रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बट नील बोर कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जिसके कारण एटम स्टेबल रहता है एंड डिस्ट्रॉय नहीं होता आसानी से। बातें समझ आनी चाहिए मेरे बताने से। चौथी बात बोर ने एनर्जी ऑफ शेल्स की। बोर कहता है, सुनना ध्यान से, बोर कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास है उसे निकालने के लिए required energy will be much higher as compared to वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर है। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, उस चोर को भगा के ले जाना ज्यादा आसान है जो पुलिस वाले से दूर है, रैदर की उस चोर को भगा के ले जाना जो पुलिस वाले से चिपक के बैठा है। बात समझ आई? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अंदर मतलब इनर शेल से जंप करके हायर शेल में जाता है तो हम कहते हैं वाओ एक्साइट हो गया, दूर चला गया, उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन शांति से अपने न्यूक्लियस के सबसे नजदीक बैठता है तो उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का जिक्र किया बोर ने अपने चौथे पोस्टुलेट में। एक बार नहीं मैं कहता हूं, दो बार नहीं मैं कहता हूं 100 बार सही मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों। मैंने जो अब तक है आपको सिखाया उसे अच्छे से घूरो तो सही, जरा जानो तो सही, मैं कहता हूं समझो तो सही, और मैं कहता हूं पहचानो तो सही। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाके बोर का मॉडल ऑफ एटम पूरा हुआ क्योंकि मैंने आपको पोस्टुलेट चारों अच्छे से एक्सप्लेन करे। तो एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर के पोस्टुलेट पे अवश्य आता है, जिसका जवाब आपको देना आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों। सो आपने आज का ये वीडियो लेक्चर देखने में जो अपने जीवन का
कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर ही नहीं करते हो तो प्लीज ऐसा करना ना भूले। आई वॉन्ट यू टू हेल्प योर सेल्फ बट एट द सेम टाइम help me also in reaching all the students of class 9th to 12th जिन्हें मेरे चैनल के माध्यम से लगातार ये सारे वीडियो लेक्चर्स देखने का फायदा नहीं भरपूर फायदा मिल सके। So once again प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। Once again thank you।